बोल रहे हैं क्या कर रहा है? तो ब्लॉग बना रहा हूँ। क्यों ब्लॉग बनाने के लिए? इसके अंदर डिलीट कर। All right, so hey guys, what's up everybody? It's your boy Yash Patel back at the game with new video. So hey guys, हम लोग जाने वाले हैं नेपाल, चलो चलते हैं। तो वाही पहुंच चुके, अपनी ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन पे बैठ चुके और अपनी ट्रेन अभी चल पड़ी है। तो भाई देख लो, अभी बड़ौदा पे और भी अपने मेंबर चढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे मिलते हैं बड़ौदा पे। इसे चाय पियो ने रिव्यू आपको पानी पानी अपनी ट्रेन चल चुकी है सूरत टू गोरखपुर। पहले हम लोग गोरखपुर जाएंगे, उसके बाद एक फंक्शन अटेंड करके फिर हम लोग जाने वाले हैं नेपाल। तो गाइस मैं आपको दिखाता रहूंगा कैसे कैसे क्या सब होता है, आप लोग भी बने रहना मेरे साथ। तो गाइस चलो गाइस, अभी हम लोग वडोदरा पहुंच चुके हैं, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो। अभी वडोदरा से हमने सबको ले लिया, हम लोग आगे। तो भाई चलो देखते हैं आगे क्या होगा। ये अपनी ट्रेन है, ये पूरी अपनी ट्रेन है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? गाइस अभी मेरे का टाइम हो रहा है 12:30 और अभी हम लोग ने लंच कर लिया है और ट्रेन अभी भी अपनी स्पीड से चल रही है। वही गाइस अभी अपने लोग पहुंच चुके हैं दाहोद। अभी हम लोग आ चुके हैं रतलाम, ये देखो मेरे पीछे का। आप कहीं आई वहाँ? तो गाइस आज है पहला दिन और अभी बज रहे शाम के 5:15 और कल भी अपना टूर चलने वाला, कल भी हम लोग ट्रेन में ही है, कल शाम को उतरने वाले। अभी तो आज शाम के 6:30 और अभी हम लोग पहुँचे उज्जैन। ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं उज्जैन का व्यू है, ये उज्जैन रेलवे स्टेशन का व्यू है ये। और ये एमपी का लास्ट स्टेशन था उज्जैन, और लोग ने उज्जैन भी क्रॉस कर लिया, हम लोग एमपी के बाहर आ चुके हैं। गाइस अभी हम लोग पहुँचे सर तीर्थाराम करके है, तो अभी वहाँ पहुँचे। अभी बज रहे रात के 8:30, तो अभी मैं आपको रात को कुछ और भी दिखाऊंगा या फिर कल सुबह मिलूँगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं सो के उठा हूँ, सुबह के बज रहे हैं 6:30। सो वही देखते बार का व्यू क्या है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल एकदम फ्रेश हो गया पीछे सो गाइस ये अपने मॉर्निंग के बाद का ये पहला स्टेशन है जहाँ पे गाड़ी रुकी है मतलब मेरे उठने के बाद जिसका नाम है मानिक करके है कोई स्टेशन वहाँ पे रुकी है ये देखो पूरा व्यू मॉर्निंग का लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ के जो ट्रेन के अंदर के जो वॉशरूम है अच्छे नहीं है उतने ठीक ठाक है देखते हैं अभी आगे का रिव्यू भी आपको दूंगा कि ट्रेन कैसी है क्या है अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे मुझे कॉफ़ी नहीं मिल रही है तो वही चलो तो देखते हैं आगे ट्रेन चल पड़ी है कॉफ़ी का जुगाड़ हुआ है वो बोल रहा है कि किचन में आके लेके जाओ तो चलो मैं आपको किचन भी दिखा दूंगा तीन डब्बे ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं पहला डब्बो पूछ ले ना पड़े काका तमे कीधु ने गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो किचन है जहाँ से हम लोग वो तो मना कर रहे थे अंदर शूट करने के लिए लेकिन उन्होंने मेरा कैमरा ही ले लिया और मेरे वीडियोस भी डिलीट कर दिए जो मैंने अंदर शूट किए थे और अभी हमको फिलहाल कॉफ़ी तो मिल गई एक जुगाड़ करके ये अंकल बोल रहे क्या कर रहे हैं तो ब्लॉग बना रहा हूँ तो क्यों ब्लॉग बनाने के लिए इसके अंदर डिलीट कर नहीं पहले आप डिसाइड करो पहले सबको पूछो एंड देन स्टार्ट टेकिंग नो अब मैं सबको ऐसे पूछने जाऊंगा तो ऐसे तब तक तो सब चला जाएगा सो गाइस आंटी को कुछ कहना है वो कुछ रिव्यू देना चाहते हैं ये गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस के बारे में सो आंटी अपना फेस रिवील नहीं करेंगे लेकिन वो बोलना चाहते कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उनकी क्या क्या माइनस पॉइंट है सो चलो आंटी से सुनते आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ माइनस पॉइंट्स हियर द वॉशरूम cannot be used at all from the time we came we boarded from Vasai yeah Vasai till now Borivali till now that we cannot use the washroom and in spite of repeated complaints 139 mein doesn't go it says abhi seva shuru nahi hua hai 139 mein complain karega to yahan pe board laga hai 139 mein complain karo aap second room udar main dikha kya hu outside 20 ne bola hai board laga hua hai main aapko ek baar dikha deta hu abhi ne bola mujhe ye हाय अंकल गुड मॉर्निंग अंकल बोल रहे हैं क्या कर रहा है चलते सो आई डिड अ कंप्लेंट एंड इट केम रिप्लाई केम अभी ये सर्विस शुरू नहीं हुआ है देन आई कॉल द मोबाइल नंबर सो ट्वाइस आई कॉल्ड हिम ही सेड अभी भेज रहा है भेजा नहीं थर्ड टाइम कब से ऐसे ही बोल रहे भेज रहे लेकिन भेजा नहीं नहीं भेजा नहीं ओके थर्ड टाइम बोला तो एक आदमी आके बोलता है हमारे पास स्टाफ नहीं है करने को तो हम क्या करें तो हमने बोला अरे हम ट्रैवलर्स है हम क्या करें हमने तो टिकट के फुल पैसे दिए तो हमको तो सर्विस चाहिए ये सब सर्विस है तो बोलते नहीं फिर वो एक आदमी आधा अधूरा क्लीन करके बोलता हो गया नॉट ओनली टॉयलेट वो तो हमारे कंपार्टमेंट में नहीं आए एसी टिकट निकाला मतलब क्या है सेकंड क्लास से भी वर्स है हाँ हम लोग 5 o'clock को बोर्ड किया आज टाइम कितना हुआ आज अभी 8 आज तक कोई स्वीपर नहीं आया कोई नहीं आया हम सफर एक्सप्रेस का ट्रैवलिंग का एकदम वापस बोलेगा तो हम आएंगे वेस्ट ऑफ मनी है हम आएंगे भी नहीं है थैंक यू ज्वाइन विद यश ओके डेफिनेटली ऑल आर द टुमारोज
हीरोज या यूट्यूब पे. ओके थैंक यू. तो आप लोग ने देखा वो आंटी लोग ने क्या रिव्यू दिया है. आंटी लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है. स्टार्ट करते हैं अभी और मैं आपको बताता हूँ कॉफी का रिव्यू. कॉफी कैसी है? कॉफी तो अच्छी है. तो गाइस आज डे टू और अभी हम लोग अभी बज रहे सुबह के 9:15. अभी हम लोग पहुंचे हैं प्रयागराज स्टेशन पे. आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं. एक हाथी तो को गिरते हुए बचा रहा है, आप देख सकते हो. आप देख सकते हैं इसका जितना शरीर है उतना ये खाना भी खाता है. ये हमने मंगाया ये एक वेज पुलाव बोला है, लेकिन ये कुछ लग नहीं रहा है पुलाव. और ये वेज थाली है, रोटी है, ये आलू और उसकी सब्जी है, दाल है, ये सब्जी है मिक्स वेज, ये राइस और ये रोटी. फिर दाल भी पूरी पानी जैसी है. ये देखो रोटी बहुत कड़क है और सब्जी ठीक है, कुछ इतना टेस्ट नहीं है. अभी वेज वाली सब्जी है. बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है सब्जी, एकदम पानी की तरह है सब्जी. सब दाल और राइस देखते हैं. दाल और राइस ठीक है, बाकी तो कुछ भी ठीक नहीं है. सब्जी दोनों बेकार हैं, रोटी भी बहुत कड़क है. तो देखते हैं ये तो वेज पुलाव है, दोनों लोगों ने राइस बोला है, देखते हैं वो कैसा है. ये भी कुछ उतना खास नहीं है. इसमें वो जो हम लोग दाल चावल वाले दाल खाते राइस खाते वही राइस है और वेजिटेबल है सब. ये जो राइस है वो अपने को पड़ा है 100 रुपीज़ इसमें. और ये 130 की पूरी थाली आई है जो वेस्ट ऑफ मनी है. आप लोग ये गोरखपुर हम सफ़र एक्सप्रेस में आओ तो ये वाला इन लोग के पास से खाना बिल्कुल भी मत खाना. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep. So guys, अभी हम लोग गंगा पार करके just अभी हम लोग यहाँ पे काशी में पहुँचे हैं. 360 view in Kashi. तो वही अभी हम लोग चलते हैं वापस. अभी चलेंगे दूसरी ट्रेन में, मतलब वापस ट्रेन में चलेंगे लेकिन जाएंगे अभी. मैं आपको मिलूंगा दूसरे स्टेशन पे. तो वही चलो. ये देखो वाराणसी. तो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेशन वाराणसी पे पहुंच चुके हैं. इधर का अभी मैं आपको 360 व्यू दे देता हूँ. ये देखो जाएंगे दूसरी बार. गजब बेइज्जती है. ट्रेन में सफर करवा दीजिए पर टाइम जोड़ना नहीं करेंगे. क्या मैं हूँ कई रीजन आप खोल वो पचाई रहे ट्रेन मस्त तोड़ी ना के ने माइंड चालते थे फॉलो कर जाके. तो गाइस अभी अपना स्टेशन आने वाला है और अब बात करते हैं ट्रेन के रिव्यू की. कि ट्रेन में हमारी ट्रेन की टिकट कितने की हुई. तो पहली बात तो ये हमारी जो ट्रेन की टिकट थी सूरत टू गोरखपुर को उसका प्राइस था 2200. और जो इसके अंदर जो लंच था वो वेज थाली थी जो हम लोग ने ली थी, आपने देखा था वीडियो में, वो कुछ खास नहीं थी. उसके ऊपर आपको वो वर्थ ऑफ मनी नहीं है, आप उसके ऊपर पैसे मत कर दीजिए. यहाँ से लेना अच्छा नहीं है. ट्रेन का खाना अच्छा नहीं आता मैंने सुना तो था, लेकिन आज मैंने ट्राई किया तो मैंने देख भी लिया. तो आप लोग भी यहाँ का खाना मत लेना. प्रेफर करना कि आप अपना ही खाना लेके आओ. साफ सफाई रखनी चाहिए क्योंकि हम लोग को 35 घंटे हो चुके 33 घंटे हो चुके 33 घंटे
लेकिन एक भी बार क्लीनिंग वाला आया नहीं है। हाँ वॉशरूम के लिए आते थे क्लीनिंग वाले, लेकिन यहाँ कफन पेंट क्लीन करने के लिए कोई भी नहीं आया है। तो वो थोड़ा इन गोरखपुरम सफर एक्सप्रेस वालों को देखना चाहिए। और आपको कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस अभी माउथ जंक्शन आ चुका है अपना लास्ट स्टेशन, इसके बाद अपना ही स्टेशन आएगा। गाइस फाइनली हम डेयोडयाक पहुंच गए, डेयोडयाक पहुंच गए। तो गाइस हम फाइनली देवरिया पहुंच गए। हम सफर एक्सप्रेस ने हमको बहुत एक्सप्रेस किया। इसमें दूसरी बार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बहुत हम सफर करवा दिया, बहुत डिले करते हैं। नाम एक्सप्रेस लिखती है लेकिन लोकल है, लोकल है। अभी हम वहाँ से जाएंगे, एक कलाक का रूट है गोरखपुर के लिए। और यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले गोरखपुर। हम लोग का टाइम था 4:30 बजे का, लेकिन हम लोग को अभी ये ट्रेन पहुँचा रही है। आप देख लो 8 बजे हम लोग को ये ट्रेन पहुँचा रही है। मेरा रिव्यू तो ये कि आपको नहीं आना चाहिए, आपको दूसरी ट्रेन में जाना चाहिए। सो भाई चलो मिलते हैं।